जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ओआरओपी में करें सुधार। दूसरी बात करते हैं अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा शुरू और सेना को मिले 85,000 करोड़ रुपए, क्या होगा इन पैसों का, देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं ओआरओपी के ऊपर, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई। ये मामला क्या है, जरा हम इसको डिटेल में बात करते हैं। मामला है ये, जैसे ही वन रैंक वन पेंशन जिस आधार के ऊपर लागू हुई थी 1 जनवरी 2016 से, तभी से उसमें बहुत सारी विसंगतियां अनोमलीज हैं, इनको ठीक करने के लिए कई लोगों ने 2016 में याचिका दायर की थी और याचिका की सुनवाई एएफटी में गई और एएफटी से मामला रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया गया कि आप इसकी अनोमलीज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक समय पे आए हैं, एक लेंथ ऑफ सर्विस है, उनकी बेसिक पेंशन में बदलाव है, बहुत सारे हवलदार हैं, बहुत सारे नायब सूबेदार, बहुत सारे रैंक हैं, इनमें आप सुधार करिए। लेकिन इसके लिए हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी को जिम्मेदारी दी। इसके बाद मामला रक्षा मंत्रालय एएफटी की बात न मानते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद अभी इतना गहन अध्ययन करने के बाद रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया है कि मैं आपको 4 महीने का समय दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं, जो भी अनोमलीज हैं, जो भी विसंगतियां हैं, जो भी पे में सुधार करने की आवश्यकता है वहां पर आपको सुधार करना होगा। और उन्होंने एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि आप देख सकते हो कि किसी की बेसिक पे का संशोधन 2014 जुलाई में उसकी ज्यादा थी, जून में उसकी कम होगी, लेकिन आपने उल्टा करके उसकी जो पेंशन को फिक्स करना था ज्यादा होनी चाहिए था, आपने उसको कम किया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जब एएफटी में पेश किए गए तो एएफटी से वही आपको उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में कहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर आप सुधार करें। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात कहते हैं, अग्निवीरों का स्वागत। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं एक आपके सामने बोर्ड कह रहा हूं, 1 AME Center वेलकम टू अग्निवीर। शायद ये ऐतिहासिक बदलाव का पहला लॉट है जो रेलवे स्टेशन पर इसका बदलाव हो रहा है ट्रेनिंग के लिए। हम समझ सकते हैं आखिर अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा शुरू हुई, बहुत सारी उम्मीदों के साथ ये बच्चे जा रहे हैं, अग्निवीर बनेंगे, भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, आखिर इनका भविष्य 4 साल तक अधर में लटकता रहेगा, उनके मन में ये कसम कस रहेगी कि आखिर हम परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। इन सब चीजों के साथ ये पहला ट्रायल इंडियन आर्मी में होने जा रहा है और इसके ऊपर टिका हुआ यूनिट का भविष्य, कई लोग जो परमेश्वर जाने वाले हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आखिर ये किस तरह एडजस्ट होंगे ये देखने वाली बात है। और ये आपको यूनिटों में लगभग अगले जून में दिखाई देंगे, हम करते हैं इनका स्वागत। तीसरी बड़ी बात कहते हैं कि भारतीय सेना को 85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये दिए गए हैं सेना की मजबूती के लिए, सेना में बदलाव के लिए। दोस्तों और सेना में बदलाव में क्या क्या चीज उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हो, इस समय हमारे पास चाइना पाकिस्तान के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, इनको देखते हुए हमारी जो रिक्वायरमेंट है इन परियोजनाओं में, सबसे अधिक हमें लाइट वेट टैंक चाहिए, लाइट वेट हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट व्हीकल चाहिए, माउंटेड गन सिस्टम चाहिए और ड्रोन चाहिए, यानी अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए इतना पैसा मिला है और ये सब चीजें खरीदी जाएंगी और सेना होगी मजबूत। और हम करते हैं इस पहल का स्वागत। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।